हाँ जी, डाउट्स कौन कौन से हैं? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डाउट्स लेने हैं आज बेसिक्स में. हाँ प्लीज. 205th क्वेश्चन. सो 205th क्वेश्चन, इट सेज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड हैंस फाइंड द रूट्स. इट सेज एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2, तो ये सब कह रहे हैं इज इक्वल टू 0. एंड रूट्स हमें क्या दी गई हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो उसने क्लियर कट मेंशन कर दिया दैट आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो जब भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है तो हमें पहले क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करना है? बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें उसमें कन्वर्ट करना है. तो क्या ये वैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं दिख रहा. तो लेट्स फॉर्म इट. एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू फोर के एक्स प्लस के इंटू के स्क्वायर माइनस के एंड. तो ये सारा मेरा क्या है? कॉन्स्टेंट. हाँ, ग्रुपिंग देखनी है ना बेटे. हमने जो x के साथ है वो मेरा क्या है? b. जो x square के साथ है वो मेरा क्या है? a. तो a यहां से क्या आया? b क्या आया? 4k. और ये सारा जो x के बिना है, वेरिएबल के बिना है, वो मेरा कॉन्स्टेंट होता है. इज दैट क्लियर? अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. ठीक है, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. अब उसने क्या बोला है? एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो डी मस्ट बी इक्वल टू डी. जीरो है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. यस और नो? बी आ गया 4k होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 और सी की जगह के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो. आई होप दिस इज क्लियर. 4k स्क्वायर इज माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू. सो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस. स्टिल वी कैन मेक कॉमन 4 आउट ऑफ इट. तो 4 अगर कॉमन निकलता है तो ये बनता है 3k स्क्वायर प्लस k माइनस. कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तरीके, चाहे स्प्लिटिंग कर लो चाहे डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, कंप्लीटिंग हम कर सकते हैं बट बिकॉज सिलेबस में नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन एंड अगेन दैट पार्ट. तो प्रोडक्ट कितनी है? माइनस 6. सम कितनी है? 1. सम है मेरे पास 1 और प्रोडक्ट है माइनस 6. तो 3 माइनस 2 इज एंड 3 इंटू माइनस 2 इज इसमें कोई शक. सो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2. इन दोनों में क्या कॉमन आ गया बेटा? k. 3 भी आ गया. k प्लस 1 और इन दोनों में एंड k प्लस 1. सो यहां से आंसर निकला 3k प्लस माइनस 2 इंटू के. सो इधर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो. तो यहां से मेरा क्या क्या निकला बेटा? एंड यहां से निकला. सो दैट इज माई आंसर. अंडरस्टूड?